जिला सोलन में अधिकारियों को सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 के उचित क्रियान्वयन के बारे में जानकारी देने के लिए एक दिवसीय कार्यशाला का आयोजन किया गया। कार्यशाला की अध्यक्षता मुख्य राज्य सूचना आयुक्त नरेंद्र चौहान ने की। इस दौरान कार्यशाला में सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 के बारे में विशेषज्ञों द्वारा अधिकारियों को उचित जानकारी दी गई, ताकि वह लोगों द्वारा इस अधिकार के अंतर्गत मांगी गई सूचनाओं की सही जानकारी दे सके व समय पर दे सके। विभिन्न नियमों कानूनों को विस्तार से अधिकारियों को बताया गया। नरेंद्र चौहान ने अधिकारियों को समझाया कि सूचना के अधिकार के तहत जो भी जानकारी लोगों को दी जाए वह बिल्कुल स्टिक हो, इसका पूरा ध्यान रखा जाए। उन्होंने अधिकारियों को इसकी बारीकियों के बारे में अवगत करवाया। There is a genuine information seeker. You should not take recourse to this section. And in any case, there is a section called 6.2, I think, or maybe 6.1, where there is a duty cast on the PIO to give render assistance to the information seeker. Maybe how to file the form. क्योंकि लोगों को मालूम भी नहीं होता. I can give instances of so many panchayat secretaries actually profiting out of it. So they are asking for unnecessary fees to be deposited of 2,000, 5,000, 10,000 in cases, 11,000. Aur logon ne kai dafa out of ego de bhi dete hain. And then what is given is absolutely rubbish, which is unrelated to what they are. Ya de bhi denge, MB entries ki de bhi a form MB ko karta hai without it being properly referenced or हिमाचल प्लस न्यूज के लिए सोलन से जैस्मिन की रिपोर्ट।